इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट के दरमियान क्या रिलेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने इसको सॉल्व किया था तो देखा था कि इसके हमारे पास दो रूट्स आते हैं। रूट्स हमारे पास आते थे एक के एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टू ए, और दूसरा रूट हमारे पास था x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टू ए। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू जो है वो अल्फा के इक्वल है। अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट बाय टू, एंड ये हमारे पास बीटा के इक्वल है। बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट बाय टू ए, ये हमने सपोज कर लिया। अब हम करना ये चाह रहे हैं कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि इन रूट्स के दरमियान और इस इक्वेशन के ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए बी और सी, इनका आपस में कोई रिलेशन बनता है या नहीं बनता। अगर हम इन दोनों रूट्स को सम करें अल्फा प्लस बीटा, जब इनको सम करेंगे तो ये हो जाएगा उसी तरह से माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट बाय टू ए प्लस माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट बाय टू ए। सम करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा टू ए, दिस विल बिकम माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट। ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट प्लस का इस माइनस वाले के साथ कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास आएगा माइनस टू बी बाय टू ए और इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। जब हमने दोनों रूट्स को सम किया तो उसका आंसर हमारे पास आया माइनस बी ओवर ए। अब बी जो है ये हमारे पास कोफिशिएंट है एक्स का, और ए जो है ये कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। सो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू एस विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक हमारे पास रिलेशन आ गया कि जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो रूट्स होंगे, तो अगर हमने उसके रूट्स का सम फाइंड करना है तो सम हमारे पास होगा माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स का हमने रिलेशन देख लिया, अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन देखते हैं कि अल्फा एंड बीटा को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। हमारे पास अल्फा की वैल्यू थी माइनस बी प्लस
बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट बाय टू ए एंड बीटा की वैल्यू थी माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट बाय टू ए। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, नीचे आ जाएगा फोर ए स्क्वायर एंड दिस विल बिकम माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट स्क्वायर, जो कि हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वायर। ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के साथ कैंसल, तो ये आ गया 4ac ओवर 4a स्क्वायर, को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 4a इंटू ए, ये 4a इस 4a के साथ कैंसल, तो ये हमारे पास आ गया c ओवर a। सो यहां से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक और रिलेशन निकल आया, जो कि हमारे पास है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज पी इज इक्वल टू सी ओवर ए विच इज इक्वल टू सी, हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमने अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यू फाइंड करनी होगी सम ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो रूट्स को फाइंड किए बगैर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट से ही उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या अगर हमारे पास कोई इस तरीके से आ सकता है कि हमने, ये तो हमारे पास है अल्फा बीटा फॉर एग्जाम्पल रूट्स हैं, अगर हमने अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, कि इक्वेशन हमें दे दी जाए और ये कहा जाए कि इसके जो दो रूट्स आते हैं दोनों का आप क्यूब लें और उनकी वैल्यू फाइंड करें, तो हमें रूट फाइंड नहीं करने पड़ेंगे, सिंपली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स देखेंगे और उनमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू फाइंड करके कोई भी हमारे पास जिस चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड करनी होगी वो फाइंड कर लेंगे। एक एग्जाम्पल अब हम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर, कि अगर हमारे पास अल्फा और बीटा जो हैं वो दो रूट्स हैं एक इक्वेशन के, तो आप वैल्यू फाइंड करें अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की। अब हमें पता है दो चीजें, एक ये कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो हमारे पास होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहां पे है b, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है a, और दूसरी चीज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो हमारे पास होता है कॉन्स्टेंट टर्म जो कि यहां पे है c डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर जो के है a। हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। सबसे पहले हम इस अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर को किसी ऐसी फॉर्म में लेके आएंगे कि ये हमारे पास सिर्फ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में आ जाए। सो बाय कंप्लीटिंग स्केल्स हम देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में से अगर हम माइनस कर दें टू अल्फा बीटा,
तो वो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि अगर हम अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर ओपन करें तो वो हमारे पास होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। सो प्लस टू अल्फा बीटा जो है वो हमारे पास एक ज़्यादा टर्म है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम माइनस टू अल्फा बीटा कर देंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस बी ओवर ए। सो माइनस बी ओवर ए स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू है सी ओवर ए। तो ये हमारे पास बन गया बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस टू सी ओवर ए। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास हो गया बी स्क्वायर माइनस टू ए सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। सो हमने सिर्फ सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को यूज करते हुए इस इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरीके से हम किसी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, या अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, जिस चीज की भी हमसे वैल्यू पूछी जाएगी तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि अगर हमें किसी इक्वेशन के रूट्स दिए गए हों तो हम उससे इक्वेशन कैसे बनाते हैं। अगर सिर्फ हमें रूट्स दिए गए हों तो उससे हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि अगर हमारे पास कोई एक इक्वेशन है और उसके फैक्टर्स हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि अल्फा एंड बीटा जो हैं वो हमारे पास रूट्स हैं इस इक्वेशन के। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी, वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो हम इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज सम ऑफ रूट्स, क्योंकि रूट्स हमारे पास अल्फा और बीटा हैं, सम ऑफ रूट्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। सो जब भी हमें कोई रूट्स दिए गए होंगे और उससे हमने इक्वेशन बनानी होगी, तो जिस वेरिएबल में हमने इक्वेशन बनानी होगी, सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा क्योंकि यहाँ पे ये एक्स है, जिस वेरिएबल में हमने इक्वेशन बनानी होगी उस वेरिएबल का स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू वेरिएबल प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। कि अल्फा और बीटा जो है वो हमारे पास रूट्स हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के। हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हमारे पास जो हैं इसका डबल हो। डबल मींस के टू अल्फा एंड टू बीटा हो। सो सबसे पहले तो इस इक्वेशन से हमारे पास सम ऑफ द रूट्स आएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और
product of roots आएगा alpha beta is equal to c over a. अब जो हमने नई इक्वेशन बनानी है उसके जो हमारे पास रूट्स होंगे वो होंगे 2 अल्फा एंड 2 बीटा. तो उसमें हम उनका पहले सम फाइंड करते हैं, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा जो कि हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 बी ओवर ए. ये वैल्यू हमने अल्फा प्लस बीटा की पुट की. देन अगर हम नई इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करें, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा जो कि हमारे पास हो जाएगा 4 अल्फा बीटा. अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास सी ओवर ए, वो वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 सी ओवर ए. अब हमारे पास नई इक्वेशन जो है उसके सम ऑफ द रूट्स भी आ गए हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गए हैं. अब इक्वेशन हमने फॉर एग्जांपल वाई वेरिएबल में बनानी है तो इक्वेशन बनाने का तरीका ये है, वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू वाई प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो. वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स की हमारे पास वैल्यू है माइनस 2 बी ओवर ए प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है 4 सी ओवर ए इज इक्वल टू जीरो. ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 बी ओवर ए प्लस 4 सी ओवर ए इज इक्वल टू जीरो. और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये हमारे पास हो जाएगा ए वाई स्क्वायर प्लस 2 बी, सॉरी यहां पे वाई आएगा, वाई 2 बी वाई प्लस 4 सी इज इक्वल टू जीरो. हमने एक इक्वेशन बना ली कि जिसके रूट्स जो हैं वो हमारे पास डबल होंगे उस इक्वेशन की रूट्स के जो हमें दी गई थी. सो इस तरीके को यूज करते हुए हम कोई भी इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं रूट्स अगर हमें दिए गए हों तो.